एससीओ की मीटिंग में रूस ने चीन का बचाव करते हुए भारत को डांट लगा दी है। रूस ने भारत को लेकर जो बातें कही है वह बेहद चौंकाने वाली है। रूस ने खुले तौर पर भारत को धमकी और चेतावनी देते हुए कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं। एससीओ मीटिंग के दौरान अचानक रूस भड़क गया और उसने भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। भारत और रूस एक दूसरे के दिल में बसते हैं, ऐसे में अचानक रूस का भारत पर पलटवार कर देना पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। कई दशकों से भारत को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रूस है। रूस ने भारत को यूएनएससी में भी परमानेंट सीट और वीटो पावर देने की वकालत की है। रूस यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है, इसलिए इसकी वकालत काफी मायने रखती है। रूस ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोग अमेरिका का समर्थन ज्यादा ना करें। रूस ने भारत से कहा कि आप चीन को घेरने के लिए पश्चिमी देशों के बहकावे में ना आए। रूस का मानना है कि भारत पश्चिमी देशों के झांसे में आकर नाटो ज्वाइन करने वाला है, लेकिन इसके अलावा रूस ने जो बातें भारत को लेकर कही वह भारत के रक्षा मंत्री समेत चीन को भी हैरान कर देगी। रूस भारत पर भड़का हुआ है और वह भारत को किसी भी हालत में नाटो ज्वाइन करने नहीं देगा। यह बात तो सत्य है कि अमेरिका भारत को नाटो में शामिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है और ऐसा ही सांकेतिक बयान अमेरिका की ओर से हाल ही में आया था, लेकिन अभी तक भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। वैसे भी भारत नाटो ज्वाइन करके चीन को कड़ा संदेश देना चाह सकता है। भारत में हुई एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में रूस ने चीन का बचाव किया, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। मीटिंग के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री के सामने ही रूस ने चीन का गुणगान करना शुरू कर दिया, जो भारत के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। हाल ही में चीन को उसकी औकात दिखाते हुए राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री के हाथ मिलाने से मना कर दिया था, क्योंकि चीन ने गलवान और त्वांग में भारत की पीठ में चाकू मारने का काम किया था। जी हाँ दोस्तों, आजकल रूस और चीन दोनों तोता मैना बन गए हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। यहाँ तक कि रूस ने अपने मित्र चीन के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू कर दी है। आज भारत दुनिया की विदेश नीतियों की पहेली समझ चुका है। हमें पता है कि आज के दौर में ना ही कोई परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। मौका मिलते ही कोई भी देश अपना पाला बदल कर किधर भी जा सकता है। इसके बावजूद भी भारत ने रूस पर आंख बंद करके विश्वास किया, लेकिन अगर इस प्रकार भारत को रूस चेतावनी देगा तो यह ठीक नहीं होगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई सोइगु ने कहा कि अमेरिका क्वाड और ओकस जैसे संगठनों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर चीन को खतरे में डाल रहा है। यह सभी संगठन एशिया के नाटो कहे जाते हैं, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को घेरने के लिए बनाए गए हैं। रूस चाहता है कि भारत इन सभी संगठनों का हिस्सा ना बने। उसका मानना है कि भारत पहले की तरह रूस के करीब रहे। दोस्तों, भारत ने तो शुरू से ही रूस को अपना करीबी दोस्त माना है, लेकिन रूस चीन का खुलेआम साथ देगा यह भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। यह बात बिल्कुल सच है कि चीन ने भी रूस को भारी मुसीबतों से बचाया है, लेकिन इस मामले में भारत भी पीछे नहीं। भारत ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए उसके साथ ताबड़तोड़ व्यापार किया, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था आज भी बिंदास दौड़ रही है। दरअसल भारत भी चीन के खिलाफ बने क्वाड संगठन का सदस्य है, इसी वजह से रूस परेशान रहता है। उसे लगता है कि भारत एक दिन पूरी तरह से पश्चिमी देशों के नाटो गुट में शामिल हो जाएगा। इसी डर की वजह से रूस समय समय पर भारत को धमकाया करता है। रूसी रक्षा मंत्री के इस बयान के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वहां मौजूद थे। रूसी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह के सामने ही कहा कि अमेरिका से ज्यादा गहरा नाता ठीक नहीं, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। रूसी रक्षा मंत्री सोइगु ने कहा कि नाटो देश अमेरिका के नेतृत्व में एशिया पैसिफिक में दबदबा बनाना चाहते हैं और इसके लिए वे लोग भारत को इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की यह आदत रही है कि वह छोटे देशों को इस्तेमाल करके उन्हें खाली बोतल की तरह फेंक देता है। रूस का मानना है कि भारत एक महान देश है जिसकी विदेश नीति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत खुद का फैसला लेने के लिए पूरी तरह से फिट और फ्री है।
रक्षा मंत्रियों की बैठक में सरगेई शोइगु ने कहा कि पूरी दुनिया में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अमेरिका और उसके साथियों ने वैश्विक सुरक्षा के ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में भारत को उनका साथ नहीं देना चाहिए। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि हम भारत के साथ कई दशकों से मित्रता बनाए हुए हैं, हमने इसके लिए कई कीमतें भी चुकाई है। भारत रूस के लिए एक अहम भागीदार है जिससे दूर होकर रूस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रूसी रक्षा मंत्री ने अपने भारत प्रेम का वृतांत सुनाते हुए कहा कि भारत संस्कृतियों की धरोहर है, भारत की महानता कई सदियों से विराजमान है। ऐसे में भारत जिस तरफ देखता है पूरी दुनिया की नजर उधर ही घूम जाती है। भारत किस देश का पक्ष ले रहा है ये ग्लोबल पावर को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। उन्होंने कहा अमेरिका और उसके समर्थक एजेंडे की तरह दूसरे देशों को चीन और रूस के खिलाफ भड़का रहे हैं ताकि जंग हो। अमेरिका हर पल चाहता है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध चलता रहे। कई दशकों से अमेरिका ने भारत और चीन को लड़ाने की भरपूर प्रयास किए हैं, लेकिन रूस का मकसद हमेशा से भारत और चीन के बीच मित्रता स्थापित करने का है। ऐसे में रूसी रक्षा मंत्री ने भारतवासियों से यह निवेदन किया कि वे लोग अमेरिका के मुकाबले रूस पर ज्यादा भरोसा करना सीखें, क्योंकि मुसीबत के समय अमेरिका मैदान छोड़कर भागने के लिए जाना चाहता है, जैसा कि आप सब ने अफगानिस्तान में देखा होगा। बेहद गुस्से में रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका का असली मकसद रूस को हराना और चीन को धमकियां देना है ताकि वो आराम से दुनिया पर एकाधिकार जमाए रखे। लेकिन भारत एक समझदार देश है जिसे अमेरिकी झांसे में नहीं आना चाहिए। रूसी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से अलग से बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी समन्वय और रक्षा सौदों को लेकर कई अहम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाए हैं। एससीओ की बैठक में रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन जंग पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हथियार देने से पूरे यूरोप और दुनिया की स्थिरता चरमरा जाएगी। उन्होंने कहा कि यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार पहुंचाकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध सीधे तौर पर नाटो और रूस के बीच में हो रही है। अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो के सभी देश किसी न किसी रूप में यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसे में रूस नाटो को कभी माफ नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर खूंखार कार्रवाई भी करेगा। अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करते रहेंगे तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से हथियार ब्लैक मार्केट में पहुंच रहे हैं, इससे वो आतंकी संगठन के हाथ भी लग रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रूस के रक्षा मंत्री ने एससीओ मीटिंग के अलावा अलग से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों पर संतुष्टि जाहिर की गई। दोनों ने एक दूसरे को आगे भी साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया। दोस्तों, आज के हालात भले ही जैसे भी हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि रूस जैसा दोस्त भारत को कहीं और नहीं मिलने वाला। आज अमेरिका भी भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आज हमारा भारत केवल रूस या अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।